स्वागत है जी तुहाडा मेरे अपने चैनल पंजाब लव्स किचन ते। अज असीं कच्चे अंबां तों जैम बना के तैयार करांगे। 1 किलो असीं अंब लए आ, इन्हां नूं चंगी तरह धो लिया सब तों पहलों, ते इन्हां दा असीं हुण छिलका उतार लांगे। जेकर तुसीं मेरे चैनल ते पहली बार आए हो, मेरे चैनल नूं हाले तक सबसक्राइब नहीं कीता ते प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करियो, बैल दा बटन जरूर दबायो ताकि मेरी आने वाली वीडियो सब तों पहले तुहाडे तक पहुँच सके। सारे अंबां नूं असीं इस तरीके छिल लांगे। कच्चे अंबां दी जैम बहुत ही खाण नूं सवाद लगदी ते समां बहुत घट लगदा बनाउण लग्गिआं। बहुत सौखे तरीके नाल इह जैम बन के तैयार हो जांदी है। बाजार तों कई गुणा इह जिहड़ी जैम बहुत सवाद बनदी ते बहुत सस्ते विच पैंदी है जेकर असीं घर दे विच इह जैम बना के तैयार करदे हाँ। इहनां नूं असीं इस तरीके कट कर लांगे ते इहनां दे असीं छोटे साइज़ दे पीस करांगे। अंबां दे पीस असीं मीडियम साइज़ दे करांगे। सारे असीं कट लए अंब, तुसीं देख सकते हो एडे साइज़ दे असीं पीस कीते अंबां दे। हुण असीं इक पैन दे विच जिहड़े सारे अंब कट्टे होए पा लांगे। इस नूं असीं पहलां हत्थ दे नाल बराबर कर लांगे ताकि जिहड़ा पानी दा लेवल बराबर हो सके अंबां दे। इस दे विच हुण असीं पानी पावांगे। पानी असी इन्ना इस दे विच पाउणा ताकि जिहड़े अपने पीस अंबां दे सारे विच डुब जाण। टोटल इस दे विच अपने 2.5 गिलास दे करीब पानी पएगा। थोड़ा जिहा पानी बच गया ते पूरे अपने जिहड़े सी अंब दे पीस भिज चुके ने पानी दे विच। इस पैन नूं असी हुण गैस ते रखांगे। अंबां नूं असीं नरम होण तक पकावांगे ढक्कण लगा के। थोड़ा जिहा ढक्कण असीं विंगा ही रखांगे इस तरीके। हुण असीं चैक कर लांगे। 7 तों 8 मिंट का समां हो गया है अंबां नूं उबाले आउंदिया होइआं, ते असीं हिला लांगे ते देखण नूं पूरे लग रहे आ ढल चुके आ। फिर भी असीं एक बार चमच दे नाल जरूर चैक करांगे ताकि कोई पीस विच कच्चा ना होए। अंब दे पीस पूरे नरम हो गए, पूरा अंब जिहड़ा ढल चुके है। तो गैस फ्लेम असीं हुण बंद कर लांगे। बहुत जल्दी जिहड़ा अंब नरम हो जाता इस तरीके असीं जद उबालदे हाँ। तो हुण असीं एक मैशर लवांगे, इस दे नाल इस नूं मैश करांगे। 1-1.5 मिंट का समा लगेगा, सारा जिहड़ा ये अपना अंब पूरा मैश वधिया हो जाऊगा। कड़छी नाल भी तुसीं ये अंब नूं मैश कर सकते हो। कड़छी दी जिहड़ी उल्टी साइड उस दे नाल दबाओगे तो सारा जिहड़ा अपना अंब है पूरा मैश हो जाऊगा। एक असीं बर्तन लवांगे, इस दे उपर छाननी रखांगे तो जिहड़ा सारी पल्प है अंब दी असीं हुण इस दे विच एक वारी फिर छान लांगे ताकि कोई भी पीस मोटा ना होए ते पूरी तरह विच मैश हो जाए फिर दूसरी बार। तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कड़छी दे नाल असीं इस तरीके घुमावांगे तो सारी पल्प पैन दे विच चली जाएगी। बची पल्प भी असीं हुण अंब दे विच पा लांगे, इस नूं भी छान लांगे। सारी पल्प नूं असीं दूसरी बार छान लिया ते जो इस वेस्ट बची है ये असीं सुट देंगे। तो ये अपनी सारी पल्प बन के तैयार हो गई है। हुण असीं इस नूं एक पैन दे विच पावांगे। 1 किलो असीं अंब लै सी, उस दा छिलका तार के गिड़कां कढ के पिछे जो पल्प बची सी वह 710 ग्राम बची सी। तो चीनी भी हुण असीं इस दे विच बराबर ही मात्रा दे विच पावांगे। 710 ग्राम ही चीनी असीं पावांगे। जेकर असीं उस बर्तन दे नाल नापदे हाँ तो उस बर्तन तो थोड़ी घाट 1/2 इंच ये चीनी बनेगी। जेकर तुसीं जिहड़ा भी बर्तन कप सैट करना जिसनी पल्प होएगी उस तो थोड़ा जिहा घट तुसीं चीनी पाउणी है, फिर ये बहुत टेस्टी जिहड़ी जैम बन के तैयार होएगी। ये जिहड़ी चीनी आ असीं इस दे विच पल्प दे विच पा लांगे।
गैस फ्लेम असी हुण ऑन कर लाँगे। 3 तो 4 मिनट वास्ते असी गैस फ्लेम थोड़ी हाई रखांगे। उस तो बाद बिल्कुल सिम ते असी इस जैम नू पकाउणा है। इहनू चंगी तरह असी चीनी नू मिला लाँगे। 2 तो 3 मिनट दे विच ही चीनी पूरी मेल्ट हो जाएगी ते जो ये पल्पे अंब दी पतली हो जाएगी। ते इस नू असी हिलाउंदे रहना ते पलटे नू थल्ले तक चलाना ताकि तले नू अपनी जैम ना लगे। ते असी उन्ना टाइम उपर खड़ के ही जैम नू पकाउणा जद तक जैम पूरी बन नहीं जांदी। इस दे विच एक टुकड़ा असी दालचीनी दा पावांगे ते 1/2 चमच असी इस दे विच पीसी हुई छोटी इलायची दा पाउडर पावांगे। इन्हां दोनों चीज़ां दा जैम दे विच बहुत ही वधिया टेस्ट आउंदा है। जद जैम नू उबाला आउणा शुरू हो जावे उस टाइम असी गैस फ्लेम लो ते कर देंगे। फिर असी गैस फ्लेम लो ही रखांगे। लो गैस फ्लेम ते अपने जिहड़ी जैम बहुत वधिया बन के तैयार होगी। थल्ले भी नहीं लगेगी ते उपर छिट्टां भी नहीं उड़नगियां। तो इस नू असी हिलाउंदे रहना है। उबाले आने शुरू हो गए आ जैम नू ते बहुत जल्दी अपनी जैम बन के तैयार हो जाएगी। पहलों नालों अपनी जिहड़ी जैम है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। हुण तुसीं देख सकते हो जैम अपनी होर भी पहलों नालों रंग भी बदल चुका है, गाढ़ी भी बहुत हो गई है। जैम बनने की पहचान असीं तुहानूं दस दिंदे आ। एक प्लेट दे विच असीं थोड़ी जी जैम कढ लाँगे। इस नूं असीं ठंडा होण देंगे। जैम जिहड़ी प्लेट वाली ठंडी हो गई है। तुसीं देख सकते हो बिल्कुल ही जिहड़ी जैम है अपनी साइड ते नहीं फैली, जिथे असीं रखिया सी उत्थे ही टिक गई ठंडी होण तों बाद। ते इह इस दी पहचान है कि इह अपनी जैम बहुत वधिया बन के तैयार हो गई है। ते इह ठंडी होण तों बाद इस तरह गाढ़ी होर भी हो जाएगी। हुण असीं गैस फ्लेम बंद कर लाँगे ते बहुत वधिया गाढ़ी अपनी जैम बन के तैयार हो गई। इस तों बाद हुण असीं नहीं इस नूं पकावांगे। दूसरा तरीका असीं तुहानूं दस दिंदे हां इस ते बनन दी पहचान। इस तरीके तुसीं करके देखियो काफ़ी गाढ़ी इसकी जैल बनेगी तुहानूं नज़र आएगी। तो फिंगर दे नाल असीं चैक करांगे इस तरीके इसकी तार बनावांगे। तो तार इसकी कच्ची बनेगी, टुट जाएगी, पूरी लंबी नहीं बनेगी। तो यह इसकी पहचान है कि जैम अपनी जिहड़ी बन के वधिया तैयार हो गई है। तो हुण असीं गैस फ्लेम बंद कर लाँगे। जेकर असीं इस तों वध हुण समां पकावांगे ठंडा होने तो बाद बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो ठंडा होने वास्ते असी इस जैम नू रख लाँगे। जैम थोड़ी पतली लगन लगी, ये जब ठंडी होएगी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। 2 घंटे बाद तुसी देख सकते हो जिहड़ी जैम है पूरी अपनी गाढ़ी हो चुकी। जिस तरीके असी जैम बाज़ार तो लैके आने बिल्कुल उस तरीके की जैम अपनी बन के तैयार हो गई है। हुण असी एक कच की बोतल दे विच इस जैम नू भर लाँगे। बॉटल नूं पहलों असीं चंगी तरह साफ कर लाँगे गर्म पानी दे विच उबाल के, फिर सुका के फिर इस दे विच जैम पावांगे। तो इस तरह करना जिहड़ी जैम है बहुत लंबे समय तक चलेगी। 4 तो 5 महीने तक ये जैम बिल्कुल भी खराब नहीं होएगी। तुसीं सिर्फ इस गल दा ध्यान रखियो कि इस दे विच गिला चमच ना लगायो। तो ये फिर जैम तुहाडी बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो कंच दे ही कंटेनर दे विच इस जैम नूं तुसीं स्टोर करियो। तो बहुत वधिया अपनी कच्ची मैंगो की जैम बन के तैयार हो गई है। जैम नूं ठंडा होने तो पहलों असी विच्चों दालचीनी का टुकड़ा कढ़ दिता सी। तो ये अपनी जिहड़ी जैम बिल्कुल बाजार वांगू बन के तैयार हुई है। तुसी देख सकते हो असी तुहानूं ब्रैड ते जैम लगा के दिखाते हैं किन्नी अपनी जिहड़ी जैम गाढ़ी है। बिल्कुल भी इस जैम की पहचान नहीं होने लगी कि असी ये जैम नू घर दे विच तैयार किया। तो खाने भी बहुत टेस्टी ते स्वाद है। तुसी इस नू ब्रैड दे नाल खा सकते हो, रोटी दे नाल खा सकते हो, जिस दे नाल ही मन करे तुसी इस जैम नू खा सकते हो। जैम बनाउण दा समां जो मैनूं लग्गिया सी 20 तो 25 मिनट दे विच अपनी जैम बन के तैयार हो गई सी। 1.5 किलो दे करीब अपनी ये जिहड़ी जैम बन के तैयार हुई है। जेकर तुहानू मेरे अज की रैसपी वधिया लगी होवे जैम की, मेरे चैनल पंजाब लव्स किचन सबसक्राइब भी जरूर करो, वीडियो नू लाइक ते शेयर भी जरूर करिया करो।
बैल का बटन तुसी जरूर दबाया करो ताकि मेरी आने वाली वीडियो सब तो पहले थोड़े तक पहुँच चुके ते तुसी देख सकते हो जेड़े अपने जैम वाले सैंडविच किन्ने वधिया बन के तैयार हुए हैं। खाने बहुत ही टेस्टी ते स्वाद है। एक बार तुसी मेरे तरीके नाल रेसिपी जरूर बना के देखियो। कच्चे अंब की जैम तुहानू बहुत ही पसंद आएगी। कमेंट करके जरूर दस्यो कि तुहानू जैम बनाउण की रैसपी किस तरह लगी। मिलते हैं फिर एक नवी रैसपी के नाल। धन्यवाद।